वीडियो प्रस्तुत की। निस्टोड एक ऐसी दवाई है जो अहमदाबाद में जो तुषार भाई हैं, मेघ धनुष बायोफर्टिलाइजर नाम की उनकी कंपनी है जो बनाती है, और यह नीमा तोड़ के काम आती है। जब मैंने इस पर कई वीडियो बनाई तो बहुत से किसानों ने इसको वहाँ से मंगाया। मेरे पास उसकी एक लिस्ट है और ये मैं बताऊँगा कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं कि त्यागी जी हमें नीमा तोड़ की दवाई बताइए। मैं उनको कई दवाई बताता हूँ जिनमें से कार्बोफुरान, निस्टोड, नीमिच, वेलम प्राइम आदि हैं, और पेसिलोमाइसिस लीलासिनस भी है जो कि एक बायो एजेंट है। लेकिन कुछ भाई मुझ पर शायद विश्वास इतना करते हैं कि वो पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि हमें कौन सी दवाई प्रयोग करनी है। किसान साथियों, जब से मैंने इस दवाई के बारे में बताया तो एक अलग ही चर्चा हुई, एक तरह से मेरा विरोध हुआ कुछ लोगों ने किया, जो 1-2% है। कुछ भाइयों ने ये कहा कि त्यागी जी, जिस प्रकार नीमिट्स वाले इसके जो जीवाणु हैं, जो इस नीमाटोड है, ये माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं कि देखिए ये जीवित है, दवाई लगाने के बाद में ये मर गया है और अब ये एक्टिव नहीं है। इन्हीं सब बातों को संदर्भ में रखते हुए मैंने तुषार भाई से कहा कि मुझे इस चीज़ का प्रूफ चाहिए, और मुझे प्रूफ बाग में चाहिए। आप अपनी लैब वहाँ पर सेटअप करिए, माइक्रोस्कोप ले जाइए, वहाँ पर सब इंतजाम करिए और मुझे कुछ वीडियो भेजिए जो कि लाइव है। तुषार भाई मुझे वहाँ पर आमंत्रित करना चाहते थे लेकिन कोविड की वजह से मैं नहीं जा सका। तो जो मैं अब वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उनमें मुख्य है कि जो भाई निस्टोड का प्रयोग करना चाहते हैं, उसके पहले भाग में ये बताया है कि आप निस्टोड दवाई अपने अमरूद के पौधों में किस प्रकार देंगे। दूसरे भाग में उन्होंने ये दिखाया है कि नीमाटोड कैसा होता है, और माइक्रोस्कोप में जब जड़ की एनालिसिस करते हैं तो नीमाटोड किस प्रकार दिखाई देता है और कैसे आप पता करते हैं कि इसमें नीमाटोड है। उसके बाद तुषार भाई ने कुछ पौधों पर निस्टोड लगवाया और कुछ पर नहीं लगवाया, और निस्टोड लगाने के बाद क्या असर हुआ, वहाँ नीमाटोड की क्या स्थिति है, ये भी दिखाया। किसान साथियों, मेरे पीछे बहुत ही सुंदर दृश्य है। मैं यहाँ पर एक रिसोर्ट में खड़ा हूँ आज, जो मेरे एक जानने वाले हैं, उनका है डॉक्टर आशीष आचार्य, और इसका नाम है पुनर्नवा। ये बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है जो देहरादून से मसूरी के नए मार्ग पर स्थित है, और बहुत करीब 25 एकड़ में ये फैला हुआ है, और यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो मसूरी का बड़ा मनोहर सुंदर दृश्य दिखाई देता है। किसान साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि निस्टोड को किस प्रकार देना चाहिए, और हमें जो तुषार भाई दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखना चाहिए कि क्या निस्टोड से वाकई नीमाटोड कंट्रोल होता है या नहीं। देखिए अपनी आंखों से। मेघधनुष बायोफर्टिलाइजर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आज हम डेमोस्ट्रेशन लेंगे कि जो निमेटोड का प्रॉब्लम है उसके लिए मेघधनुष बायो फर्टिलाइजर का निस्टोड है उसको किस तरह से फील्ड में डालते हैं, उसकी एप्लीकेशन मेथड क्या है, यानी सभी फार्मर को क्लियर हो जाए कि इसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है और किस तरह से रूट जोन में देना है। इसलिए मैंने यहाँ पहले से ही निस्टोड 500 ml इस टब में ले लिया है, और ये 500 ml निस्टोड मैं 200 लीटर के बैरल में ये डाल रहा हूँ, 200 लीटर के बैरल में डाल रहा हूँ। मेरे साथ फार्मर भी है, अभी फार्मर को बोलूँगा वो मिक्स करे। 200 लीटर के बैरल में मैंने उसको डाल दिया है, अभी ये प्रॉपर मिक्स होगा। मिक्स करने के बाद उसको हम अप्लाई करेंगे फील्ड में। यहाँ पर एक प्लांट के आजू बाजू मैंने रिंग बना दिया है, उस रिंग में पानी भी भर दिया है, ड्रिप की दो लाइन लगी है, उस ड्रिप की दो लाइन में तीन तीन आउटलेट है दोनों साइड, यानी 6 आउटलेट है। यहाँ पर हमने ये डेमो स्टेशन के लिए ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से निस्टोड का यूज़ करना है पर प्लांट के हिसाब से। ये जो डाइल्यूशन हुआ है, ये डाइल्यूशन हुआ है 5 ml प्रति प्लांट के हिसाब से। 200 लीटर पानी में मैंने आधा लीटर डाला है, यानी क्या होगा, यहाँ से मैं 2 लीटर निकाल कर प्लांट में डालूँगा, यानी ये 200 लीटर जाएगा
100 प्लांट में, यानी उसका डाइल्यूशन हुआ 5 ml प्रति प्लांट। आइए सर, आप इसमें से 1 लीटर अभी निकालिए, पूरा 1 लीटर निकालिए, 1 लीटर निकालिए, अभी इस प्लांट के चारों तरफ घूमते हुए डालिए, इस प्लांट के चारों तरफ घूमते हुए डालिए। इस प्लांट में हमने पहले से ही मॉइस्चर नमी बना रखी है, पूरे प्लांट के आजू बाजू पानी दिया हुआ है, यानी रूट जोन में सब जगह पर निस्टोर पहुंच जाए, इसलिए नमी की भी आवश्यकता रहती है। ये 1 लीटर हुआ, मतलब 2.5 ml पर प्लांट हुआ। अभी मैं इसमें दूसरा 1 लीटर डालूंगा, ये जो दूसरा लीटर डालूंगा इससे हिसाब से हो गया ये 5 ml प्रति प्लांट, ये 5 ml प्रति प्लांट का डोज हुआ। इसके बाद ये जब 5 ml के हिसाब से हमने डाल दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉइस्चर भी है और हमने निस्टोर चारों ओर डाल दिया है। अभी इसमें ड्रिप चालू कर देंगे और 3 जगह पर उसके आउटलेट है, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, 6 जगह से पानी निकलेगा और पूरा एरिया मॉइस्चर वाला हो जाएगा। इस तरह से निस्टोर का एप्लीकेशन करना है, रिपीट डोज, निस्टोर का रिपीट डोज आएगा तकरीबन 12 से 15 दिन के बाद। इसमें किस तरह का इन्फेक्शन है, कितने दिन में रिजल्ट मिलता है, उसके हिसाब से कुछ फार्मर ने इसको यूज़ किया है, कोई कर रहा है, किसी के पास अभी पहुंच रहा है, जिन्होंने यूज़ कर लिया है उसमें से 80 से 90% फार्मर बोल रहे हैं रिजल्ट अच्छा हुआ है। कभी कहीं सॉइल की कंडीशन, एनवायरमेंट या मॉइस्चर की वजह से रिजल्ट में 10% हम बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है, मगर 80 से 90% इसका रिजल्ट फार्मर को मिल रहा है और पॉजिटिव व्यू आ रहा है। धन्यवाद। ये वीडियो में एक्टिव निमेटोड की कंडीशन दिख रही है, जो हमने आइसोलेट किया था अमरूद के प्लांट में, जहां पर रूट में निमेटोड का इन्फेक्शन था उस हिस्से में से, और ये रूट आए थे हमारे पास रमेश भाई पटेल के यहां से, और उनके फील्ड में से आए थे 22 सितंबर 2020 को, उस दिन हमने ये वीडियो लिया था उनके रूट में से निमेटोड आइसोलेट करके। उससे पहले इसमें निमेटोड के ट्रीटमेंट के लिए निस्टोड या तो कोई भी दवाई की ट्रीटमेंट नहीं की थी। इसमें आपको एक्टिविटी दिखेगी निमेटोड की, ये बिना रूट के अंदर ट्रीटमेंट किया हुआ एक्टिव निमेटोड है, ट्रीटमेंट से पहले का वीडियो बना हुआ है। ये पूरे अंडे दिख रहे हैं आपको, अहमदाबाद की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ है रमेश भाई पटेल, अरवली डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, उनके बाग में हम खड़े हैं निमेटोड के लिए, जो निस्टोर प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट देखने के लिए। यहाँ पर हमने 2 प्रैक्टिकल किए थे, कुछ प्लांट में, ये पूरा प्लांट निमेटोड वाला था, उसमें कुछ प्लांट हमने रेंडमली छोड़ दिए थे जिसमें हमने निस्टोर नहीं डाला, और बाकी पूरे फील्ड में निस्टोर डाला है। एक तो ये देखेंगे रिजल्ट कि 1.5 महीने पहले डाला हुआ निस्टोर वाला प्लांट और आज का प्लांट कैसा है, जो कंट्रोल है वो, यानी ट्रीटमेंट और कंट्रोल वाले 2 प्लांट। जो कंट्रोल वाला प्लांट था उसमें हमने 1 वीक पहले निस्टोर डाला है, आज से 1 वीक पहले, आज 13 तारीख है, 13 नवंबर 2020, 1 वीक पहले हमने इसमें निस्टोर डाला था। आज की डेट में इस प्लांट की क्या कंडीशन है और रूट के ऊपर जो निमेटोड की गांठ थी उसकी क्या कंडीशन है वो देखेंगे। यहाँ पर जो प्लांट है उसकी रूट की गांठ में पहले आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए ये रूट की गांठ है, ये गांठ अगर मैंने ऊपर से थोड़ी स्किन निकालूं तो देखिए वाइट हो रही है, ये पुरानी गांठ है जो काली हो चुकी है, पूरी सड़ चुकी है, मेरे हाथ में है। यहाँ पर देखिए ये पूरा क्लीन हो रहा है। और रूट की, प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में रमेश भाई आपको जो यहाँ पर रिजल्ट के हिसाब से नई शूट दिख रही है वो बताइए, ये पूरा नया शूट है जो अभी अभी हुआ है निस्टोर डालने के बाद। उससे पहले ये कंडीशन थी, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कंडीशन थी, अभी ये ऊपर वाला पोर्शन है। ये मेरे सामने एक ये प्लांट है, ये प्लांट, और ये 3 प्लांट नज़दीक में हमने 3 प्लांट छोड़े थे। रमेश भाई के पीछे जो प्लांट है वो ट्रीटमेंट किया हुआ है 1.5 महीने पहले, हमारा स्टाफ का एक मेंबर यहाँ पर आपको एक दूसरे प्लांट के रूट निकाल कर दिखाएंगे।
इसमें हमने 1.5 महीने पहले निस्टोड डाला था। रमेश भाई, कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों प्लांट में? सब बहुत फर्क है। यहाँ पर कोई गठान दिख रही है निमेटोड की? है सर। आपने इस फील्ड में कीक भी डाला हुआ है? डाला हुआ है। एक शायद 10 दिन पहले की बात है, उसमें भी आपने कीक का मुझे वीडियो भेजा था, तो वो कुछ जो फंगल का इन्फेक्शन था और जो काली रूट हो चुकी थी, अभी ऐसा कुछ लग रहा है आपको? सर नहीं है, इसमें नहीं है। नहीं। अभी आप इस प्लांट में देखिए, 1.5 महीने पहले का प्लांट है जिसमें हमने निस्टोड डाला हुआ है। अभी इसमें सभी पूरा प्लांट शूट वाला हो चुका है, नई शूट है, नई ब्रांचिस है, उसके बगल में भी। अब पूरी लाइन देखिए, और ये प्लांट देखिए, इसके पीछे वाले दो देखिए। अभी हम जिस फील्ड में हमने यहाँ पर इस रूट में निमेटोड के लिए जो निस्टोड डाला था, वो रूट का सैंपल लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि रूट में जो निमेटोड प्रेजेंट है आज की डेट में, उसकी क्या कंडीशन है, और उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे। ये जो हमने प्लांट सिलेक्ट किया है, इसमें हमने निस्टोड डाला था, इस प्लांट का में जो ये बड़ा वाला रूट है वो एनालिसिस के लिए रूंगा मैं। ये मैंने रूट ले लिया है, अभी मैं माइक्रोस्कोपिक के लिए जाऊँगा यहाँ से, और आपको पूरा माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊंगा। इसमें मेरे पास रूट है, यहाँ उसको स्लाइड में, यहाँ पर हमने जो रूट सैंपल लिया था उसी प्लांट का जिसमें 1 वीक पहले निस्टोड डाला है, उस रूट का एनालिसिस करेंगे। यहाँ मेरे सामने स्लाइड है, स्लाइड मैंने बनाकर रख दी है इस प्लांट के रूट की, और यहाँ पर मैं अभी चेक करूँगा, जैसे स्लाइड सेट होती है मैं उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी आपको दिखाऊँगा। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिख रहा है आपको, अंदर अगर आपको कहीं निमेटोड दिखे। मैं अपने हिसाब से भी चेक करूंगा और बाद में वीडियो शूटिंग करूंगा, अगर मुझे कोई माइक्रोस्कोप अपना निमेटोड दिख गया माइक्रोस्कोप में तो, और उसकी क्या कंडीशन है वो भी चेक करता हूँ। यहाँ पर एक निमेटोड मुझे मिला है, मैंने टोटल पूरा स्लाइड देख चुका हूँ, ये एक निमेटोड मुझे दिखा है, वो भी एक्टिव नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैं रमेश भाई को बोलूँगा कि वो खुद अपने हिसाब से देखे और चेक करे कि उनको निमेटोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं उसकी हेल्प करूंगा माइक्रोस्कोप ऑपरेट करने में। रमेश भाई आप आइए। उसके अंदर देखिए आप, जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ था, मैं अभी लेंस को, लेंस में देखिए, मैं बेस को मैं मूव करूंगा स्लाइड को, अगर आपको कहीं पर निमेटोड दिखाई दे तो मुझे बताना। सर लंबा पड़ा हुआ वो है, एक ही था जो अभी मैंने दिखाया वो, उसके अलावा अगर कितने दिखाई देते हैं वो बताइए। कहाँ भी नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको कोई? ना दूसरा कहाँ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमने आज प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि निमेटोड डालने से फील्ड में भी क्या रिजल्ट था, प्लांट के ऊपर क्या रिजल्ट था। और किसान साथियों, ये था एक प्रयोग जो तुषार भाई ने दिखाया, और शायद अब आप ये सवाल नहीं करेंगे कि इससे नहीं मरता है और ये एक अप्रूव्ड दवाई नहीं है। अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय है तो जो तुषार भाई का नंबर दिया है, आप उनसे बात करें और उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। मैं ये किसी दवाई का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य केवल किसानों को एक सस्ती दवाई उपलब्ध कराने तक था। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। किसान साथियों, ये था मेरा निमेटोड के बारे में अंतिम भाग। मेरे पास अभी बहुत वीडियो ऐसी है
कि जो किसान भाई निस्टोर से इलाज करते हैं और उन्हें फ़ायदा हुआ उन्होंने भेजे हैं। अगर मैं सब पर वीडियो बनाने लगूँ तो प्रति सप्ताह कम से कम एक या दो वीडियो मुझे दिखानी पड़ेंगी। तो मैंने एक कार्यक्रम बनाया है कि मेरी वेबसाइट पे एक सेक्शन उपलब्ध होगा और जो किसान भाई मुझे वीडियो भेजते हैं उनकी वीडियो एज इट इज़, उसमें मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा और वहाँ पर डाल दूँगा और उसका लिंक अपनी वेबसाइट पर दे दूँगा। जो किसान भाई उनको देखना चाहते हैं उसी लिंक को जब क्लिक करेंगे तो उनको वीडियो उपलब्ध होगी, ये वीडियो मेरे चैनल पर नहीं होगी। किसान साथियों, ये मेरा प्रयास था और इस प्रकार के प्रयास मैं आगे भी करता रहूँगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।